जब भी भारत में किसी विदेशी के आने की बात कही जाती है तो सात समंदर पार का जुमला अक्सर कहा जाता है। अगर ये जुमला कुछ 30 करोड़ साल पहले दुनिया के किसी भी हिस्से में कहा गया होता तो गलत होता। इसका कारण है कि तब कोई भी देश सात समंदर पार नहीं था। 30 करोड़ साल पहले दुनिया के सभी देश और महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। वक्त के साथ इनमें दूरियां बनती गई और ये दूरियां आज भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब भारत के दो हिस्से हो जाएंगे और इन दूरियों के बढ़ने से ही एक समुद्र की जगह पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालय को जन्म दिया। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है और इससे आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के दो हिस्से हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे हमारी पृथ्वी के दो हिस्से हो जाएंगे। 14वीं सदी तक दुनिया के दो बड़े हिस्सों के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच आपसी संपर्क था। एशिया और यूरोप की धरती भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी है। अफ्रीका और यूरोप की धरती के बीच बस 14 किलोमीटर का फासला है। एशियाई देश भारत का अफ्रीका से जल मार्ग से व्यापार 14वीं सदी से पहले भी चल रहा था। यूरोपीय लोग भारत आने के लिए जल मार्ग तलाश रहे थे। इसी कड़ी में इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकले। 1492 में कोलंबस की ये यात्रा भारत की जगह अमेरिका में जाकर खत्म हुई। इसी रास्ते में पहले वो कैरिबियाई द्वीपों पर पहुंचे। इन द्वीपों को उन्होंने इंडीज नाम दिया। लेकिन जब पता लगा कि ये भारत नहीं है तो इस द्वीप समूह का नाम वेस्ट इंडीज हो गया। अमेरिका में खत्म हुई इस यात्रा से दुनिया को दो नए महाद्वीपों का पता चला, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये उस शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उस दौर में खोजे गए दो नए महाद्वीपों के बाद नए नक्शे बनाने का चलन शुरू हुआ। डच नागरिक अब्राहम ऑर्टेलियस भी ऐसे नक्शे बनाने वाले लोगों में शामिल थे। 1570 में उन्होंने थिएट्रम ऑर्बिस टेररूम नाम का एक नक्शा बनाया। इस नक्शे को आधुनिक दुनिया का पहला नक्शा माना जाता है। इस नक्शे में उन्होंने सभी सातों महाद्वीपों को जगह दी थी। 1596 में अब्राहम ने नक्शे में एक चीज नोटिस की। अब्राहम ने देखा कि अफ्रीकी महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी हिस्सा एक ही जमीन के हिस्से के दो टुकड़े जैसे लगते हैं। अगर इन टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए तो ये एक दूसरे के सांचे में फिट बैठते हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि हो सकता है पहले ये दोनों महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा रहे हों और बाढ़ और भूकंप से अलग हो गए हों। वो अपनी इस थ्योरी पर ज्यादा रिसर्च कर पाते इससे पहले 1598 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब्राहम की इस थ्योरी को कई लोगों ने गंभीरता से लिया। थियोडोर क्रिस्टोफ, अलेक्जेंडर फोन हुम्बोल्ट, एंटोनियो पेलिग्रिनी और W.J. कियोस ने अब्राहम की बात को आगे बढ़ाया। कियोस ने कहा कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप तीनों ही पहले एक महाद्वीप थे, लेकिन वो भी इस थ्योरी को साबित नहीं कर सके। 1880 में बर्लिन में जन्मे अल्फ्रेड वैगनेर ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से PhD की। वे मौसम विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान में रुचि रखते थे। 1906 में वैगनर ने ग्रीनलैंड की यात्रा की। वहां उन्होंने भूविज्ञान से जुड़ी रिसर्च के लिए एक स्टेशन बनाया और दो साल तक वहीं रिसर्च की। 1908 में उन्होंने मारबुर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू की। 1911 में वैनेगर ने अपनी इसी रिसर्च पर एक पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर ने अब्राहम की थ्योरी को आगे बढ़ाया। वैनेगर ने कहा कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक जिग्सो पजल की तरह हैं। इन सब हिस्सों को जोड़कर एक पजल पूरी बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों अमेरिकी महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप में पूरी तरह फिट बैठते हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के एक हिस्से में फिट बैठते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर मिलने वाले जीवाश्मों में भी समानताएं हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों हिस्सों पर बसे अलग अलग महाद्वीपों में भी कई भौगोलिक समानताएं हैं। इसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। महाद्वीपों में हुए इस ड्रिफ्ट की वजह पृथ्वी के घूमने से पैदा हुए एक बल को माना गया। जिस बड़े हिस्से से ये सारे महाद्वीप अलग हुए उनका नाम पेंजिया दिया गया। हालांकि इस रिसर्च पेपर को उतनी सराहना नहीं मिली, लेकिन 1915 में ज्यादा ब्यौरे के साथ
वेनेगर ने एक किताब लिख दी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस किताब में उन्होंने और भी गहनता से बताया कि कैसे धरती के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी चट्टाने मिली हैं, अलग अलग महाद्वीपों पर मिले जीवाश्मों में इतनी समानता कैसे है। इस किताब से थ्योरी तो स्थापित हुई लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण पुख्ता नहीं हो सके। इसके वैज्ञानिक कारण सामने आए 1950 के दशक में। विज्ञान के विकास ने मैग्नेटिक सर्वे नाम की तकनीक विकसित की। धरती के अंदर की चीजों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे जो थ्योरी निकल कर आई उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का कहना है कि पूरी पृथ्वी पर जमीन है, कहीं ये जमीन ऊंची है कहीं नीची। नीची जमीन पर जहाँ पानी भर गया है वहाँ समुद्र बन गए हैं। अगर धरती से समुद्रों को हटाकर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी कुछ प्लेट्स में बटी है। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये वही प्लेटें हैं जिनमें हलचल होने से भूकंप आ जाता है। अगर इन प्लेट्स के नीचे देखा जाए तो पृथ्वी की परतें हैं जिनके नीचे लावा भरा हुआ है। ये लावा लाखों डिग्री तापमान का होता है। इस खौलते लावा के चलते इन प्लेट्स की स्थिति बदलती रहती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमे होती है इसलिए इसका अनुमान नहीं लग पाता। जब ये प्रक्रिया तेज होती है तो इसकी परिणति भूकंप के रूप में होती है। 2011 में जापान में आए भयानक भूकंप के बाद जापान की भौगोलिक स्थिति में भी मामूली परिवर्तन दर्ज किए गए थे। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बाद यूएस जियोग्राफिकल सर्वे ने अपनी रिसर्च निकाली। इस रिसर्च में बताया गया कि 33 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जमीन का एक ही टुकड़ा था जिसका नाम था पेंजिया। 17 करोड़ साल पहले तक पेंजिया में अंदरूनी हलचलें होती रही लेकिन ये एक ही बना रहा। 17 करोड़ साल पहले पेंजिया दो टुकड़ों में टूट गया। इन टुकड़ों का नाम बना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर की थ्योरी 1907-8 में ऑस्ट्रियाई भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुएज ने भी दी थी। उन्हें भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में एक जैसे जीवाश्म मिले थे। भारत में उन्होंने गोंडवाना से जीवाश्म इकट्ठे किए थे इसलिए इस हिस्से का नाम गोंडवाना लैंड रखा। गोंडवाना को ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों तक माना जाता है। 1937 में दक्षिण अफ्रीकी भूविज्ञानी अलेक्जेंडर डूटाइड ने दो हिस्सों में टूटने वाली थ्योरी दी थी। वर्तमान थ्योरी के मुताबिक लॉरेशिया से टूटकर तीन महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से। गोंडवाना लैंड जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग हुई। इंडियन प्लेट अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी। यूरेशियन प्लेट मतलब जिस पर यूरोप और एशिया बसे थे। 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट में घुस गई। इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे समंदर था। इस समंदर का नाम टेथिस सागर था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसी तो टकराने वाली जगह पर एक पहाड़ बनता चला गया। इस पर्वत को आज दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय कहा जाता है। ये इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती जा रही है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। धरती की दूसरी प्लेटें भी अलग अलग रफ्तार से बढ़ रही है। जैसे मध्य अटलांटिक में पड़ने वाली प्लेटें हर साल 10 से 40 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं प्रशांत महासागर में पेरू के किनारे मौजूद दक्षिणी अमेरिकी प्लेट 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई 2.4 इंच प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि इससे न सिर्फ आने वाले समय में भारत कई देशों से अलग होकर दो टुकड़ों में बट जाएगा बल्कि इससे हिमालय पर्वत पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। दरअसल 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट में घुस गई। इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे समंदर था। इस समंदर का नाम टेथिस सागर था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसी तो टकराने वाली जगह पर एक पहाड़ बनता चला गया। इस पर्वत को आज वर्ल्ड की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय कहा जाता है। ये इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती जा रही है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। पेंजिया के बाद इस मैप्स को देखकर सोचिए कौन सा पार्ट कहां से अलग हुआ है। लैंड की दूसरी प्लेटें भी अलग अलग तेजी से बढ़ रही है। जैसे मिडल अटलांटिक में पड़ने वाली प्लेटें हर साल 10 से 40 मिलीमीटर की तेजी से बढ़ रही है। वहीं प्रशांत महासागर में पेरू के किनारे मौजूद दक्षिणी अमेरिकी प्लेट 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष की तेजी से बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई 2.4 इंच प्रति वर्ष की तेजी से बढ़ रही है। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में जो काफी रहस्यमय है।
हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या आने वाले समय में हमारी दुनिया के दो टुकड़े किन जगहों को अलग करते हुए नजर आएंगे और ये क्या सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।